बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उत्तराम रूली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी की आज चुनावी रैलियों का आगाज हो चुका है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज नागपुर दीक्षा भूमि नागपुर से दम दीक्षा के दिन, यानी आज के दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और आज के दिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने चुनावी कार्यक्रम का आगाज कर दिया। और आपको बता दें कि सबसे सटीक और सबसे सही बसपा सुप्रीमो मायावती जी की रैलियों का कवरेज आप हमारे फेसबुक पेज पर पूरा लाइव देख पा रहे थे। और आपको बता दें कि हमारी कोशिश जल्द है कि हम यूट्यूब पर भी जो 24 घंटे लाइव चलाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज जमकर जो बीजेपी सरकार है उस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती तो हम आम जनता के हितों का रक्षा करते, आम जनता के हितों में काम करते। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मैंने चार चार बार मुख्यमंत्री पद संभालते हुए सरकारें चलाई और सर्व समाज के लिए काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी किसी भी प्रकार की मेरे ऊपर अंगुली नहीं उठी। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुजन समाज के लोगों के लिए, गरीब तबकों के लिए काम मैंने किया है, मेरी सरकार अगर केंद्र में बनती तो मैं करती। और उन्होंने महाराष्ट्र में जनता से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा वोट करके बहुजन समाज के लोग, पार्टी के जो लोग हैं उनको जिताने की कोशिश करें। तो आपको सुनवाते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने क्या कुछ कहा है। बराबर है। इस मामले में, यानी कि धर्म परिवर्तन करने के मामले में मेरे बारे में भी जरूर सोचते होंगे कि बहन जी, बाबा साहब के धर्म परिवर्तन के रास्ते पर चलकर कब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेगी, ये आप लोग सोचते होंगे। तो इस मामले में मेरा अपने लोगों को जवाब यही है कि मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा जरूर लूंगी, किंतु सही व उचित समय। बहन जी आप आगे बढ़ो, बहन जी आप आगे बढ़ो। जब मेरे साथ पूरे देश में बड़ी भारी तादाद में लोग धर्म परिवर्तन करें, अरे बहन जी तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और ये कार्य है, और ये धर्म परिवर्तन का कार्य तभी संभव हो सकता है बड़ी तादाद में, जब बाबा साहब के अनुयायी राजनीति के क्षेत्र में भी उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे लोग इस मामले में तो बाबा साहब की बात पर अभी तक भी पूरे तौर से अमल नहीं कर पा रहे हैं। नारा तो आप लोग बहुत लगाते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये नारा तो बहुत लगाते हैं, लेकिन ये नारा अकेले नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, इस पर हमें अमल भी करना होगा। इस पर हमें अमल भी करना होगा। और यदि हम लोग अमल नहीं करते हैं और चुनाव में, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो या असेंबली का, हम बात बाबा साहब की करते हैं और काम बाबू का करते हैं, जातिवादी जो ताकते हैं, संकीर्ण ताकते हैं, पूंजीवादी ताकते हैं, उनको बहुत कोसते हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आता है तो आप लोग गड़बड़ा जाते हैं। इसको लेकर जब माननीय कांशीराम जी ने यहां से मूवमेंट शुरू किया तो वो भी बहुत दुखी थे और मैं भी बहुत दुखी हूं। मैं भी बहुत दुखी हूं
क्योंकि आप लोग अभी तक महाराष्ट्र स्टेट में कोई रिजल्ट नहीं दिखा पाए, लेकिन आप लोगों की जो हालत खराब है, आपने कभी सोचा कि आप आगे नहीं बढ़े हैं बल्कि पीछे की।